सो हे गाइस, दिस इज श्याम एंड यू वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीफायर हम बाहर से खरीदे या घर पे बनाए। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर के एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट कम है और आप ज्यादा माथा नहीं मारना चाहते अपना एम्पलीफायर बनाने में, क्योंकि आपको जस्ट साउंड सुनना है, उसको सीखना नहीं है कि कैसे एम्पलीफायर बनता है क्या है, बस आपको जो है साउंड सुनना है, अपने घर में यूज करना है, और आपका बजट भी जो है वो कम है, तो आप जो है मार्केट से एम्पलीफायर खरीदिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम में से काफी लोग जो है म्यूजिक ओनली घर में चलाने के लिए साउंड सिस्टम जो है खरीदते हैं या फिर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यूट्यूब पे काफी सारी चीजें अवेलेबल है जिसके जरिए जो लोग है देख करके भी बना लेते हैं, लेकिन बनाने में जो है दिमाग ज्यादा मारना पड़ता है। ओके, और उसमें जो है खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, जितना खर्चा आता है बनाने में, उससे सस्ते में जो है आप एक अच्छा एम्पलीफायर बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ सीखेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है घर पे ही बनाइए। ओके, बाहर एम्पलीफायर खरीदते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर एम्पलीफायर लेते हैं तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है किसी ब्रांड का एम्पलीफायर लीजिए, लोकल एम्पलीफायर मत लीजिए, क्योंकि लोकल एम्पलीफायर के अंदर आपको कुछ भी डाला हुआ मिल सकता है, क्योंकि अभी ज्यादातर यही चीजें होती हैं। एम्पलीफायर के अंदर नाम मात्र के लिए वहाँ पे साउंड टेस्ट करवाया जाता है, और घर पे लाने के बाद वो किसी काम का नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रखे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप कोई एम्पलीफायर ले रहे हैं और आपको लॉन्ग टाइम तक उसे चलाना है, ओके, घर के लिए या फिर आउटसाइड छोटी मोटी पार्टी के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर। ओके, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में कौन सा एम्पलीफायर अच्छा है। ये तो बात रही बाहर से लेने के लिए, और बाहर से लेने के लिए आपको देखिए बाहर में सस्ता कैसे पड़ेगा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी ब्रांड होते हैं, वो बल्क में सामान लेते हैं, और बल्क में जब सामान लिया जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर यही मैं बात करूँ, आप खुद से मतलब सामान लेने जा रहे हैं और आप तो रिटेल में लेंगे ना सामान, तो आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अगर आप नहीं सीखना चाहते और आप ज्यादा दिमाग नहीं मारना चाहते तो आप बाहर से ही लीजिए, क्योंकि खुद से बनाए हुए में एक डर और रहता है कि काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे दो चीजें, खुद से कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, जो मेरे को क्लियर करना था वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को ज्यादा कुछ मतलब उसमें कुछ सीखना नहीं है, ओनली जस्ट यूज करने के लिए लेना है, तो आप जो है मार्केट से ही लीजिए अगर आपका बजट कम है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो घर पे बनाइए, लेकिन घर पे बनाने में आपको बजट जो है आपका बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो आप लाएंगे और जब आप उसे बनाएंगे तो खराब भी निकल सकती है, क्योंकि इन सारी चीजों की गारंटी नहीं होती है। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं वो सही मिलेगी आपको मार्केट में जाओगे। ओके, लेकिन आप जब खुद से बनाते हो तो सबको, जैसे अगर आप बोर्ड बनाना नहीं चाहते, बोर्ड मार्केट से ही लेना चाहते हैं, तो मार्केट में भी अलग अलग तरीके के बोर्ड होते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटी का बोर्ड ला करके घर पे बना सकते हैं, एक तो ये बात होगी, लेकिन इसमें पड़ेगा आपको महंगा। ठीक है, अगर आप खुद से बनाते हैं तो मार्केट का प्राइस से आपको कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है अगर आप खुद से बना रहे तो, क्योंकि मार्केट के प्राइस से दोगुना आपको पड़ जाएगा अगर आप घर पे बनाते, लेकिन इसकी क्वालिटी अलग होगी मार्केट वाले। ठीक है, मैंने बताया ना, आप रिटेल में खरीदने जाएंगे, आपको एक पीस बनाना है तो एक पीस के हिसाब से आपको प्राइस पड़ेगा, तो जो घर पे बनाया हुआ होता है वो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको महंगी पड़ जाएगी। लेकिन उससे क्या, आप खुद सीखेंगे कि हाँ ये मैंने बनाया, खुद के ऊपर प्राउड होता है कि हाँ भाई ये एम्पलीफायर मैंने बनाया, खरीदा हुआ नहीं है। और उसमें कभी कोई दिक्कत आती है तो आप खुद इजिली उसे रिपेयर कर लेंगे, आपको पता है सारी चीजें आप ला करके लगाए हैं। ओके, और जब आपने बनाया तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी इन सब के बारे में, तो इजिली आप उसे रिपेयर भी कर लेंगे। ओके, अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था आप लोगों से, देखिए बोर्ड तो मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आप खुद से भी बोर्ड तैयार कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास खर्चे की कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बजट है तो आप खुद से ही बनाइए, इससे आप सीखेंगे भी और आपको काफी अच्छा फील होगा अगर आप बनाएंगे तो। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पीसीबी के जो पीडीएफ है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पीसीबी लेआउट के। इससे क्या है, बोर्ड भी आप खुद तैयार कर सकते हैं, कंपोनेंट जो है वो आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आ जाती है पैसों की बात, अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, ठीक है, बजट ठीक ठाक है, तो आप जो है घर पे बना सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आपको घर पे ही बनाना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ओके, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कोई चीजें लगाते हैं कभी वो काम नहीं करती या फिर शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें भी नुकसान हो जाता है, लेकिन आप सीखते हैं। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप घर पे ही बनाइए, ठीक है, उससे आप सीखेंगे भी, आपकी नॉलेज भी ग्रो होगी, और आप एक अच्छा खासा एम्पलीफायर घर पे बनाएंगे जो कि मार्केट के कंपैरिजन में अच्छा
ही होगा ओके okay, और धीरे धीरे आप जो है अगर बनाना सीख जाते तो उससे खुद आप सेल भी करते। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।